बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो आज की प्रोसीडिंग्स थी, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की पटिशन के ऊपर, उसके ऊपर पहले दिन की जो कार्रवाई है वो उसकी मुकम्मल हुई है। पहले तो मैं ये समझता हूँ कि जिस कदर आईन के ख़िलाफ़, जमहूरियत के ख़िलाफ़ और जिस तरीके से ये तमाम प्रोसीडिंग्स हुई हैं कल, और डिप्टी स्पीकर ने जिस किस्म का किरदार अदा किया है, उसका आज पूरा पाकिस्तान उसकी मजम्मत कर रहा है। जो स्पीकर की रूलिंग है, हमेशा आपने देखा होगा कि जो कानूनी इंटरप्रिटेशन होती है, तशरी होती है, उसके ऊपर हमेशा बड़े वकला जो है उनमें इख्तलाफ होता है। ये पहला मुकदमा है जिसमें तमाम पाकिस्तान के जो वकला हैं, जो पार्टी एफिलिएशन नहीं रखते, उन्होंने इस रूलिंग को गलत करार दिया। चाहे वो सलमान अकरम राजा साहब हों या चौधरी एतजाज अहसन साहब हों, आबद जुबैरी साहब हों, अनवर मंसूर साहब हों, खालिद जावेद खान साहब हों, तमाम लोगों ने इस जो रूलिंग है उस स्पीकर की रूलिंग को कहा कि ये दुरुस्त नहीं है। वफाक में इस वक्त जो सूरत हाल है, 84 सीटों लेके नून लीग का वज़ीर आज़म है और 155 सीटों वाली तरीके इंसाफ अपोजिशन में बैठी है। सूबे में ये कर रहे हैं कि जो 186 सीटों वाली पार्टी और इतिहाद है उसको अपोजिशन में भेज दें, और 178-179 वाले जो ग्रुप है उसको इख्तदार दे दिया जाए। जमहूरियत में तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि आज 178 में इसलिए कह रहा हूँ कि जो काशिफ महमूद हैं, जो बहावल नगर से नून लीग के एक MPA, उनकी भी आज डिस्क्वालिफिकेशन अनाउंस हो गई है। ये भी खैर एक अलहदा ज्यादा की बात है कि कल जब 8 महीने लगे उनकी फैसला आते, लेकिन 12 चले उनका हो गया। अब उसके बाद जिस तरह से रात के पौने 3 बजे राजा सगीर की कामयाबी का नोटिफिकेशन हुआ, वो भी आपके सामने है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आज का केस है, मेरे ख्याल में तो ये बड़ा ओपन एंड शट केस था। जब शुरू सुप्रीम कोर्ट हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी कि इसमें कोई नया नुक्ता तो इसमें दरपेश है नहीं, इसमें ना ही कोई फैक्ट्स जो हैं वो डिस्प्यूटेड हैं, हकायक जो हैं उसके ऊपर तो कोई किसी पार्टी को डिस्प्यूट नहीं है कि 186 वोट जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हैं और 179 वोट्स जो हैं वो हमजा शहबाज़ के हैं और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो ज़्यादा वोटें उनके पास हैं, इस पर तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो इसमें डिस्प्यूट सिर्फ ये है कि जो डिप्टी स्पीकर है, उन्होंने कल जब प्रोसीडिंग शुरू हुई तो अचानक एक खत जो है वो अपनी जेब से निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया चौधरी शुजात साहब का। वैसे तो डिप्टी स्पीकर साहब की मेहरबानी है, वो अपने बालों में भी छुपा सकते थे जितने उनके बड़े बाल हैं, उन्होंने उसमें वहाँ से कोई जादू करके कबूतर नहीं निकाल लिया। तो बहरहाल उन्होंने वो कबूतर के बजाय खत निकाल लिया, और ऐसा खत खुफिया था जो सिर्फ चौधरी शुजात साहब को पता है, पता नहीं उनको भी पता है कि नहीं पता, हमें तो नहीं पता। जरदारी साहब जो है वो तो मशहूर हैं अंगूठे लगवाने के, तो पता नहीं शुजात साहब को पता भी है कि उनका खत अंगूठा लग के चला गया या नहीं चला गया, लेकिन बहरहाल एक उनको तो है और एक डिप्टी स्पीकर को पता है। और डिप्टी स्पीकर साहब कहते हैं मैंने 3 दफ़ा चौधरी शुजात साहब से फ़ोन पर बात करके कन्फर्म किया। अब ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि डिप्टी स्पीकर को उनकी बात समझ आ गई, वरना तो मुश्किल ही होता है कि बात नहीं समझ आती। जो इस वक्त सिचुएशन है, सुप्रीम कोर्ट ने जो इस वक्त जो ऑर्डर दिया है वो इस लिहाज से उसके ऊपर, हम तो समझते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले हाफ में बात की वो ये थी कि इसमें कोई पेचीदगी इतनी नहीं है, आपने सिर्फ ये बताना है डिप्टी स्पीकर ने कि हमारे फैसले का कौन सा वो पैरा है जिसको पढ़ के वो इस नतीजे पे पहुंचे कि क्यों लीग के वोट एक्सक्लूड कर दिए जाएं। जो नून लीग है उसके बाद उन्होंने एक बदतमीजी की कैंपेन शुरू कर दी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। आज जो सोशल मीडिया के ऊपर चीफ जस्टिस और जजेस के ऊपर जो ट्रेंड्स चलाए गए, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। और फिर उनके वकील भी और फिर जस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसिस हुई, और एक जो पंजाब का इनका वजीर है और राणा सनाउल्ला जो है वो कह रहे हैं कि जी बेंच चीफ जस्टिस जो है वो फुल कोर्ट बनाए,
यानी अगर सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी जो है वो राणा सनाउल्ला ने और इनके पंजाब के एक दो वजीरों ने मिलकर बनाने हैं, तो फिर इस तरह कर लें कि सुप्रीम कोर्ट तो ख़त्म हो गई, फिर तो यही कर लें। इसलिए जो ये फैसला है आज हमजा शहबाज का हलफ जो है उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया है जो आज सुबह का हुआ है, और उसकी जो हैसियत है वो अब एक अबूरी वजीर आला की जो है वो हो गई है। हमने सुप्रीम कोर्ट को पहले भी अर्ज़ किया था पिछली दफ़ा भी कि हमजा शहबाज जो हैं उनका जो हैसियत है वो एक इंटरिम सीएम की रखें, ये कैबिनेट वगैरह जो है वो उनको आप ना दें और ना ही ये डिप्टी स्पीकर से इलेक्शन करा सकेगा। हमारे जो तहफ़ुज़ात थे वो दुरुस्त साबित हुए, और जो हमने कहा था ये गंद करेंगे इन्होंने एग्जैक्टली वही किया, क्योंकि इनकी कोई हिस्ट्री नहीं है जमहूरियत की, इनकी कोई जमहूरी तारीख नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं करना था इसमें। जो आज अब ये केस जो है वो मंडे को चला गया है, हम समझते हैं कि इसका जल्द अज जल्द फैसला होना चाहिए। पंजाब में 3 महीनों से कोई हुकूमत नहीं है, यहाँ पे जो गवर्नेंस है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तबाह बर्बाद हो गई है, गंदम की आप प्रोक्योरमेंट नहीं कर सके, दिसंबर में आपको बहुत बड़ा फूड बहरान, आपको खुराक का बहरान जो है उसका सामना करना पड़ेगा। उसके बाद जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, आप यहाँ पे एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं शुरू कर पाए, उसके आपको रिपरकशंस आएंगे। हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तबाह बर्बाद हो गई है। ख्वाहिश मेरी ये है, एक मिनट, ख्वाहिश मेरी इसमें सिर्फ ये, हमारी सिर्फ इतनी है इसमें कि जल्द अज जल्द जो है ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आए, और फैसला तो सिर्फ जाहिर है यही आना है कि 10 वोट कानूनी तौर पे एक्सक्लूड किए गए या गैर कानूनी तौर पे एक्सक्लूड किए गए, और उसके बाद यहाँ पे जो वज़ीर आला है वो अपना एक हलफ ले और अपने इकदामात को आगे चले। महमूद रशीद, मैं ये समझता हूँ जी कि जितनी किसी भी शख्स के अंदर अगर कोई गैरत, हमीयत और डिग्निटी नाम की कोई चीज़ होती तो कभी हमजा शहबाज जो है ना ये हरकतें ना करता। पहले हमारे 25 लोगों को लोटा किया गया, इनके पास कभी भी अक्सरियत नहीं रही पंजाब के अंदर। लोटा करने के बाद धौंस धांधली से ज़बरदस्ती लोगों के ज़मीरों को खरीद कर ये हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ और किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। कल जो कुछ हुआ है उसके बाद भी मैं ये समझता हूँ कि ये जग असाई की है इन्होंने, और इस कदर लालच और लस्ट है इक्तदार से चिमटे रहने की, ये मेरा ख्याल है कि जो थोड़ा बहुत इनका एक पोलिटिकल जो स्टैंड था वो ही मलिया मेट हो गया, और हर आदमी आज जो है ना वो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि ये शर्म नहीं आती कि ये सारा कुछ के बावजूद ये चाहते हैं कि इकतदार से चमटे रहें। मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि कोई मेजर फैसला आप नहीं कर सकते। आप कल अभी इंतखाब हो रहा था, आपने दोपहर 12 बजे IG को बदल दिया। IG को बदलने का आपको कोई इख्तियार नहीं है, ना चीफ सेक्रेटरी को बदलने का, ना कोई मेजर डिसीजन लेने का। आप 2 दिन तक एक कठपुतली या केयर टेकर जो भी उसको कह लें वो वजीर आला हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह की ऑब्जर्वेशन आज आई हैं, जिस तरह फवाद साहब ने भी कहा, तो अब तो 2 और 2 4 की तरह बात होनी है कि जो 10 वोट उन्होंने एक्सक्लूड किए हैं वो उसमें शामिल होंगे और हमजा शहबाज जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ये फारग हो जाएंगे। फवाद साहब ये बताइएगा कि बहुत काफी टाइम था इलेक्शन में जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप इलेक्शन कराएं 22 जुलाई तक, तो क्या ही अच्छा होता कि परवेज इलाही अपना घर उस वक्त तक दुरुस्त कर लेते और अपनी पार्टी में चौधरी शुजात को जो है वो मना लेते। देखिए ये तो उनका अपना एक चौधरी शुजात साहब का फैसला है, आप भी कोशिश कर लें। अच्छा फौसल ये बताइए क्योंकि आप हम तमाम लॉयर्स क्लैरिटी है वो बोलती रही कि 1 जुलाई के हवाले से कोई क्लैरिटी मौजूद नहीं है। 1 जुलाई क्या ये वो जो उन्होंने स्टेटस बहाल किया 1 जुलाई वाला? दूसरा इसके साथ आज सुबह के तमाम टेलीविजन चैनल्स में चल रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट डिसाइड कर चुकी है कि सॉफ्ट इंटरवीन कर देगा, ये सॉफ्ट इंटरवीन होगी क्या? देखें जी, पहली बात तो यह है कि मैंने भी देखा है कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन अक्टूबर में होने चाहिए, लेकिन आपको याद हो कि हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे, हमने तो कभी भी नहीं कहा हमारी ये असम्बली आप बहाल कर दें। इमरान खान ने जब असम्बली जो है जब ये रूलिंग आई थी उसके फौरन बाद असम्बलियाँ डिसॉल्व की थी और हम कह रहे थे कि लोगों के पास जाएं और वो फैसला करें। सो इंतखाबात की हद तक तो हमारा ये मुतालबा है कि इलेक्शन होने चाहिए और अक्टूबर में होने चाहिए।
अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस मिस एडवेंचर ने, जिसमें जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह शरीक है, इस मिस एडवेंचर ने पाकिस्तान को उसको बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी है। आज जो हमारी मईशत की एक कमर टूट गई है, पाकिस्तान 6% पे ग्रो कर रहा था, हमारे जो इस वक्त 55 लाख नौकरियां पाकिस्तान में हमने क्रिएट की 3 सालों में, तमाम जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्री है, ग्रो कर रही थी, डॉलर काबू में था, इन्होंने तो आके हशर नशर कर दिया। आप देखें IMF से मुआहदे के बाद भी तकरीबन जो है वो डॉलर की कीमत में रोज़ाना 2-3-4 रुपया जो है वो इजाफा हो रहा है। तो इतना नुकसान जो मईशत का हुआ है, इसकी ये जो तमाम लोग इस मिस एडवेंचर में शामिल थे, ये उसके ज़िम्मेदार है। और आज जो पाकिस्तान की हालत है, ये उस मिस एडवेंचर की वजह से है, जो कि ये शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली और एस्टैब्लिशमेंट ने मिल के किया था। टी ओ आर्स देखें जी, पहली बात ये है कि हमजा शरीफ को आइन के किसी आर्टिकल के तहत ये हक हासिल नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन महमूद रशीद साहब ने जिस तरह से आपको बताया, एक बात तो तय है कि ये जो नून लीग की लीडरशिप है, इसमें अगर कोई कमी नहीं है तो वो बेहयाई की कमी नहीं है। यानी अगर वो शर्म होती थोड़ी सी भी, इसके बाद आप इस्तीफा दे देते हैं, आप कहते हैं कि मैं नहीं, इसके ऊपर कोई और बंदा लगा दें। लेकिन मजाल है कोई शर्म हो, कोई गैरत हो। ये दूसरी दफ़ा जो है ये यहाँ से इस तरह चिमटे हुए हैं वज़ारत आला से, कि जिस तरह से ये जो है ये कोई पेलोटी के बच्चे हैं और उतर ही नहीं रहे। आप सिंपल ये खुद ही इनको हट जाना चाहिए, कोई शर्म करनी चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद यही है कि यकम तक जो है, ये मंडे तक जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के अभी तक फैसला तो यही होना है कि रूलिंग ये 10 वोट आप काउंट कर सकते हैं। अगर अक्टूबर के अंदर आप इलेक्शन का कह रहे हैं, एक मिनट, अक्टूबर के अंदर आप इलेक्शन का कह रहे हैं कि इलेक्शन की आवाज़ भी होने चाहिए, अच्छा इलेक्शन होने चाहिए अक्टूबर में, क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर आपके तहफात हैं कि उसको रिजाइन करना चाहिए? क्या अगर 2 माह का वक्त है, अगर अक्टूबर में होते हैं तो फिर यही इलेक्शन कमीशन होगा कि आप इसको मानेंगे या नहीं? हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं और पहले भी हम ये कह रहे हैं, हुकूमत इलेक्शंस के ऊपर आमादगी जाहिर करे, उसके बाद सियासी जमातें जिसमें नून शामिल है, पीपल्स पार्टी शामिल है, बाकी जमातें शामिल हैं, वो जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, वो अपना फ्रेमवर्क तय करें इलेक्शंस का। इलेक्शन कराएं उसको कोई माने ही ना, उसको इलेक्शन को तो नहीं आपने करा के करना। एक पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान डायलॉग की बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो होना चाहिए, और उसकी शर्त सिर्फ यही है कि हुकूमत जो है वो इंतखाबात पे आमादगी जाहिर करें। आप सिर्फ वो देखें, उनको भी पता है कि वो इस इलेक्शन के बगैर पाकिस्तान में कोई हल नहीं है इस्तेकाम आने का। ये सिर्फ इसलिए नहीं करा रहे कि ये लग रहा है इनको कि इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी जीत जाएगा, सिर्फ इस वजह से आप ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, और कोई वजह नहीं। लास्ट क्वेश्चन, जो मुल्क का बुरा हाल हो चुका है, आप नहीं समझते कि आप जैसे जमहूरी भी ऐसे हैं, जमहूरी सियासी कारकुन जो मुख्तलिफ जमातों में हैं, कि तमाम तरफ के मसाइल जो हैं वो पार्लियामेंट में ही हल किए जाएं, ताकि ना हमें अदालत उसके लिए देना पड़े, ना एस्टेब्लिशमेंट। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन पार्लियामेंट का नुमाइंदा होना जरूरी है ना। जब मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी पार्लियामेंट में नहीं है, राजा रियाज जिस पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसने मिसाइल क्या हल करने हैं, वो तो इजाफा ही करेगी। बहुत शुक्रिया जी। जमहूरियत का सदर घुमाया और लगी डिप्टी के बगैर इंतहाबात जब भी होते हैं, चौधरी परवेज लाई के लिए जो PTI ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी 10 सीटों के लिए, क्या समझते हैं कि अब चौधरी परवेज लाई को जो है उन्हें अपने आप को PTI में जम करना कर लेना चाहिए, आगे जब भी आप पंजाब का जैसा ये फैसला तो देखा।